हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों काफ़ी समय से आप लोगों को फ्रॉन्क्स के प्राइस का इंतज़ार था, क्योंकि गाड़ी करीब 4 महीने हो गए हैं, इसकी सभी डिटेल्स रिवील कर दी गई थी, केवल प्राइस नहीं आए थे। तो काफ़ी लोगों ने इसे बुक भी करा दिया था और काफ़ी लोग इसे बुक कराने का मन बना रहे थे, लेकिन प्राइस ना आने के कारण कहीं ना कहीं मन में डाउट्स थे। डाउट्स उनको भी थे जिन्होंने बुक करा दी है, क्योंकि उन्होंने भी एक बजट सोच रखा था कि इस बजट में आएगी तो हम इस गाड़ी को लेंगे। और डाउट्स उनको भी थे जिन्हें बुक कराना थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब प्राइस आ जाएँ तभी हम बुक कराएं। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद मारुति सुजुकी ने प्राइस अनाउंस कर दिए हैं। फ्रॉन्क्स के प्राइस दोस्तों आ गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्राइस थोड़े मैं कह सकता हूँ कि जो उम्मीद की थी, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, हमने कई बार अपने चैनल पर भी वीडियोस डाले हैं कि इसके प्राइस एक अनुमान के मुताबिक इतने से इतने के बीच में आ सकती है, यानी 7.5 से और 13 लाख के बीच में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे। तो लगभग वही सेम प्राइस हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है कि बलेनो से कॉस्टली है, जो बलेनो के प्राइस हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आप देख सकते हैं प्राइस अभी फ़िलहाल जो भी है वो आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम मुझे मिलता है तो मैं आपको आपके साथ इसके अलग अलग वेरिएंट के प्राइस और बलेनो से भी कंपेयर करूंगा और इन डिटेल में इन सब बातों को आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने भी फ्रॉन्क्स को बुक कराया है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने प्राइस सोचे थे, मेरा जेटा वेरिएंट था मैनुअल, मैंने सोचा था कि मुझे ये ऑन रोड 11 लाख से नीचे पड़ जाएगा, यानी 11 लाख के अंदर अंदर पड़ जाएगा, बट मेरे जो संभावनाएं थी, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ये कहीं बाहर जा रहा है। आप देख सकते हैं जेटा मैनुअल का प्राइस 10,55,500 रुपये, ये एक्सरूम प्राइस हैं। तो इस हिसाब से गाड़ी मुझे लगता है कि करीब 12 लाख के समथिंग पड़ेगी ऑन रोड। तो ये प्राइस थोड़े कहीं ना कहीं इन प्राइसों ने डिस्पॉइंट किया है। अब आप देख सकते हैं सिग्मा मैनुअल इसका फ्रॉन्क्स का है, वो 7,46,500 इसके बेस प्राइस रखे गए हैं, यानी कि जो एक्सरूम प्राइस हैं। और डेल्टा जो मैनुअल है उसके प्राइस आप देख सकते हैं, ये जो 1.2 लीटर में जो डुअल जेट इंजन है 1.2 लीटर का, उसके प्राइस हैं सिग्मा MT 7,46,000, डेल्टा MT 8,32,000, डेल्टा AGS 8,87,000, डेल्टा MT 8,72,000 और डेल्टा प्लस AGS 9,27,000। वहीं अगर टर्बो इंजन की बात करें तो डेल्टा प्लस जो मैनुअल है उसके 9,72,000 एक्सरूम प्राइस हैं, जेटा मैनुअल है उसके 10,55,000 के समथिंग एक्सरूम प्राइस हैं, जेटा जो है 80 है उसके 12 लाख एक्सरूम प्राइस 12,05,000, और अल्फा MT है उसके 11,47,000 एक्सरूम प्राइस हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा डुअल टोन जो है उसके 11,63,000 मैनुअल के, और 80 के आप देख सकते हैं 13,13,000 के समथिंग एक्सरूम प्राइस रखे गए हैं। तो ये प्राइस हैं टोटली, आप देख सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहे हैं, ओवर वैल्यू लग रही गाड़ी ये। अब कैसा इस पर रिएक्शन मिलता है कंपनी को, कैसे जिन्होंने बुक कराया है वो रिएक्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कौन सा वेरिएंट कराया है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों के जो ये प्राइस आए हैं ये कहाँ तक सही लगे, कितना आप उम्मीद कर रहे थे, और कहीं जो आपने अपना एक बनाया था कि मुझे इस रेंज में गाड़ी चाहिए, इस रेंज में मेरी प्राइस आ सकते हैं, तो कहीं आपके जो एक्सपेक्ट किया था उसके बराबर ही प्राइस आए या फिर उससे ज़्यादा आए या फिर उससे कम, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी और भी आगे वीडियो इसके ऊपर आएंगे हमारी तरफ से, कंपैरिजन वीडियो आप देखेंगे बलेनो और इसके और भी कई गाड़ियों के। तो आपको कैसे लगे प्राइस कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।